क्या आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अकाउंट है तो फिर इस वीडियो को देखिए और जानिए कैसे आप आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हो और आपका ऑल ट्रांजेक्शन देख सकते हैं आपके मोबाइल में चल आप। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पिंटू, आप देख रहे हैं टिक सर चैनल। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहले तो आप प्ले स्टोर में जाइए और सर्च कीजिए पासबुक बैंक ऑफ बड़ौदा, सर्च कीजिए। तो इसको मैं आपको इस एप्लीकेशन को पहले से ही इंस्टॉल करके रखा हूँ। मैं इस एप्लीकेशन का यूआरएल मेरी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उधर से जाके भी आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इसको ओपन कीजिए और सिलेक्ट इधर से आप कौन से लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी इधर है, तो प्रोसीड कीजिए। और आपको मोबाइल नंबर इधर डाल कीजिए, जो मोबाइल नंबर आप बैंक अकाउंट में लिंक हो उस नंबर ही डाल कीजिए और ऑपरेटर सेलेक्ट कीजिए और प्रोसीड कीजिए। उस नंबर पर एक ओटीपी आएगा, देखिए मेरा ओटीपी आ गया। अब इस ओटीपी को इधर डालना पड़ेगा। और कंटिन्यू में क्लिक कीजिए और आप इधर 4 डिजिट पिन कोड रख सकते हैं, जो आपको इस एप्लीकेशन को ऑन करने से पहले आपको पूछा जाएगा। आप कृपया इसको ध्यान से दीजिए। मैं इधर देख रहा और स्टार्ट यूजिंग पासबुक में क्लिक कीजिए और आपको इधर वो 4 डिजिट पिन एंटर करना है और ये ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट को वेरीफाई कर देगा। आपका उस बैंक में जितने भी अकाउंट हो सबको वेरीफाई कर देगा। ठीक है, मेरा इधर 2 अकाउंट है, एक मेरे भाई का और मेरा, मैं मेरा ही सिलेक्ट करता हूँ। और इधर देखिए आप पहले आप इधर सब कुछ ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, कितने आया है और कितने गया है। ये जो नीला रंग पर रखा है वो ऐड होने के, और ये जो लाल रंग पर वो खर्चे होने के। देखिए अभी बैलेंस मेरा 841 रुपये है और आप इधर से रिफ्रेश कर सकते हो। इधर से आप इस बटन को क्लिक करके आपको अकाउंट बैलेंस और आपका आईएफएससी कोड मध्य जान सकते हो, और सेविंग अकाउंट्स ब्रांच नेम और आईएफएससी कोड, कस्टमर नेम और बैंक अकाउंट, सब डिटेल्स इधर देखा देंगे। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो आपको बहुत ज़रूर पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक यू, गुड नाइट।